आईओडीज इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सही। कौन सी वाली करती है? रिलीज कॉपर दैट सप्रेस स्पर्म मोर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, कौन सी वाली आईओडी करती है? मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मेक सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म, सर्विक्स को होस्टाइल बना देती है, स्पर्म को वहां टिकने नहीं देती क्योंकि म्यूकस कंसिस्टेंसी गाढ़ा कर देती है। ठीक है, तो ये दोनों काम करेगी, हार्मोनल आईओडी प्रिवेंट सीमेन फ्रॉम एंटरिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्या ये आईओडी कर सकती है? नहीं, ये करते हैं बैरियर मेथड्स। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे? इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है, रिलीज कॉपर दैट सेपरेट स्पर्म मोटिलिटी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी ठीक है ना। मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी ठीक है। मेक सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, ये भी ठीक है, केवल ये गलत हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसमें तो 5 को इंक्लूड कर दिया तो ए रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन है ही नहीं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, दैट मीन सी वाला ऑप्शन ही टीचर्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है वो 1 वाला मिसिंग है ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, हमारे पास 1, 2, 3, 4 किसमें दिए हैं? सी में दिए हैं, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की कैटेगरी मीडियम कैटेगरी,